स्वप्निल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी स्वप्निल, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं रायपुर से? अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुके हैं, कितने डेलीगेट्स फिलहाल पहुंच चुके हैं वहां पर, और क्या कोई बड़े दिग्गज अभी कांग्रेस के वहां पर अपना मत देने पहुंचे हैं? जी देखिए, बताना चाहूंगा, सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे पहला वोट जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उन्होंने अपना सबसे पहले वोट डाला है। और उसके बाद बारी बारी से जो डेलीगेट्स हैं वो अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचे हुए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। देख सकते हैं ये जो सीधा अंदर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो है जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक कतार में यहाँ पर जो है डेलीगेट्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 307 जो है डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, और सभी जो है वोट के लिए अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और सीएम भूपेश बघेल 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। ये देख सकते हैं ये डेलीगेट्स हैं। कहाँ से आए आप? मोहला, राजनांदगांव जिला। आप पहला वोट दे रहे हैं आज पहली बार? हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए वोट देने का अवसर मिल रहा है। आप कहाँ से आए? मैं विधायक डोंगरगढ़ हूँ, भुवनेश्वर बघेल। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जैसे कि भैया ने कहा कि आज देश की सबसे पुरानी पार्टी में हम लोगों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिला। इसके लिए मैं समस्त शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उनमें बहुत सारे डेलीगेट्स ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए? रायपुर शहर। वोट कर रहे हैं? पहली बार वोट दे रहे। खड़गे जी हैं, थरूर जी हैं, क्या लगता है कौन बेहतर जो है उम्मीदवार यहाँ पर हो सकता है? छत्तीसगढ़ के लोग तो खड़गे जी को वोट कर रहे हैं, उत्साह है पीसीसी डेलीगेट लोगों में खड़गे जी के प्रति, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है खड़गे जी जीतेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो कतार में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। आपसे जानना चाहेंगे, आज वोट हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये वोट है और क्या पहली बार आप मतदान कर रहे हैं? देखिए, हाँ, ये बात सही है कि मैं पहली बार एज पीसीसी डेलीगेट वोट कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं कि गांधी परिवार से इस बार कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सरूर जी के भी मुकाबला है, और हम लोग यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में वोट डाल रहे हैं और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुनेंगे। यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्साह इसलिए भी है क्योंकि कई सारे डेलीगेट छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जो पहली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और 307 डेलीगेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें संगठन के कई नेता हैं, मंत्री हैं, सीएम भूपेश बघेल भी डेलीगेट्स हैं, वो भी तो 11 बजे यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, और मतदान की प्रक्रिया 10 बजे शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक चलेगी। और जो दो छत्तीसगढ़ में जो मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा समर्थन मिलेगा। जी मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में स्वप्निल पहुंचने वाले हैं, उनके साथ और भी कई डेलीगेट्स आएंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री का झुकाव भी किस ओर होगा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है? जी जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और अगर बात की जाए तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 4 पुलिस एजेंट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले, तो ऐसे में यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ ज्यादा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर किरणदास महंत, वो भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है ज्योतिमा महंत, वो भी वोटिंग के लिए पहुंची हुई है। तो 307 डेलीगेट्स में कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं, तो वो भी अपने मतों प्रयोग करने की कोशिश में हैं। तो ये जो समर्थन इस तरह ज्यादा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भूपेश बघेल इंदिरा गांधी से है, तो ऐसे में जो जी स्वप्निल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है, और कांग्रेस अध्यक्ष के
चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी। यहाँ पर मोहन मरकाम भी अपना मत देते हुए नजर आए हैं।